नोटबंदी और जीएसटी को लेकर जब पीएम मोदी की आलोचना हो रही है तब उनकी कालाधन विरोधी मुहिम पर एक बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 13 बैंक्स ने सरकार को 13,000 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स की डिटेल दी है और इससे खुलासा यह हुआ है कि 5,800 कंपनियों ने नोटबंदी के दिनों में 4,500 करोड़ कालाधन सफेद कर डाला। जिन कंपनियों ने गोलमाल किया है पकड़ा गया है उसे, उन 2,00,000 कंपनियों में है जिनका रजिस्ट्रेशन सरकार रद्द कर चुकी है। काले धन के खिलाफ मोदी की स्ट्राइक की एक बड़ी कामयाबी है फर्जी कंपनियों की चोरी को पकड़ना, उसे जानना, उसे समझना। दिखाते हैं आपको पूरा खुलासा और समझिए आप कैसे काले धन वालों ने देश के साथ गद्दारी की है। नोटबंदी का मकसद था काले धन वालों को पकड़ना और गड़े हुए काले धन को बाहर निकालना। नोटबंदी में वापस आए नोटों की गिनती के बाद जब खुलासा हुआ कि 99% पुराने नोट वापस आ गए हैं, तब सरकार आलोचनाओं से घिर गई। अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर जो लोग आज मोदी पर उंगली उठा रहे हैं, उन्होंने नोटबंदी के फैसले को भी गलत ठहराया। पहले सुनिए उस आलोचना को जिसमें नोटबंदी को नाकाम, बेकार और देश के लिए नुकसानदेह बताया गया। ये अब तक की सबसे बड़ी काले धन को सफेद करने की योजना थी जो पूरी तरह से सरकार द्वारा सूची और लागू की गई। जिसके पास भी काला धन था सभी ने उसे सफेद कर लिया। पीएम मोदी आज भी मानने को तैयार नहीं है कि नोटबंदी करके उन्होंने गलती की या उससे भ्रष्टाचार की सफाई नहीं हुई। 2 दिन पहले ही डंके की चोट पर मोदी ने कहा था कि 8 नवंबर भ्रष्टाचार से मुक्ति के पर्व का दिन था। डीमोनेटाइजेशन का फैसला लेने की हिम्मत भी इसी सरकार ने दिखाई। भाई और बहनों, इस सरकार ने देश में संस्थागत ईमानदारी को मजबूत करने के लिए काम किया है। यह सरकार के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था कम कैश के साथ चल रही है। इतिहास में भ्रष्टाचार मुक्ति के अभियान का प्रारंभ दिवस माना जाएगा 8 नवंबर। मोदी की नोटबंदी से कुछ वक्त के लिए जनता को तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन सच अब सामने आ रहा है कि नोटबंदी ने भ्रष्टाचारियों पर तगड़ी चोट की। पहली बार सरकार ने काले को सफेद करने वाली फर्जी कंपनियों पर बड़ा खुलासा किया है। नोटबंदी के दौरान ये सुनने को मिल रहा था कि फर्जी कंपनियों के लिए काले को सफेद किया जा रहा है। 2,09,000 कंपनियों के बैंक अकाउंट में संदिग्ध लेन देन पाए गए थे। उन्हीं दिनों में ऐसे खातों पर रोक लगा दी गई थी। उसी समय सरकार ने बैंकों से अकाउंट की डिटेल मांगी थी। अब 13 बैंकों ने 13,140 बैंक अकाउंट डिटेल की पहली किस्त सरकार को सौंपी है, जिसकी जानकारी कानों को सुन्न कर देगी, काले धन के कॉरपोरेट भ्रष्ट तंत्र को बेनकाब कर देगी। नोटबंदी के बाद जिन 2,00,000 फर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द हुए थे, उन्हीं में से 5,800 कंपनियों के बैंक अकाउंट की डिटेल बाहर निकली है। 5,800 कंपनियों ने कुल 13,140 अकाउंट खुलवा रखे थे। 5,800 कंपनियों में नोटबंदी वाले दिन यानी 8 नवंबर 2016 को सिर्फ 22 करोड़ रुपए जमा थे, जबकि नोटबंदी के बाद कंपनियों के खाते में 4,573 करोड़ रुपए जमा हो गए और फिर 4,552 करोड़ निकाल भी लिए। 429 ऐसे बैंक खातों का खुलासा हुआ जिनमें नोटबंदी से पहले एक अठन्नी का बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन नोटबंदी के बाद 11 करोड़ रुपए जमा हो गए, फिर 42,000 रुपए छोड़कर बाकी पैसे निकाल भी लिए गए। फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन का ऐसा काला खेल चालू था कि करोड़ों के लेन देन की भनक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तक को नहीं हुई। काले को सफेद करने की ऐसी साजिश रची गई कि एक एक कंपनी ने 100-100 अकाउंट खुलवा लिए। सरकार ने नाम तो नहीं बताया है, लेकिन एक ऐसी कंपनी की पहचान हुई है जिसने 2,134 बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे। ऐसी भी कंपनियों का पता चला है जिनके पास 300 या 900 बैंक अकाउंट थे। फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन का खेल चल रहा है, ये बात मोदी बहुत पहले ताड़ चुके थे। इसलिए जीएसटी लागू करने से 48 घंटे पहले 1,00,000 कंपनियों पर स्ट्राइक की थी। नोटबंदी के बाद जिन 3,00,000 संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला था, जिनके माध्यम से काले धन का लेन देन किए जाने की आशंका है, उनमें से 2,10,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।
सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतनी मात्रा में किसी भी कंपनी को बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल बैंकों पर भी है कि कैसे उन्होंने एक कंपनी जिसका ना आगे का पता ना पीछे का उसको 100 अकाउंट का गिफ्ट दिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।